ऑफ द फॉलोइंग फाइव फिजिकल पैरामीटर हैव द सेम डाइमेंशनल फार्मूला, इसमें से कौन सा डाइमेंशनल फार्मूला सेम होगा। अब हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा यार, ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, हीट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं, कि हो सकता है हर एक ऑप्शन चेक करेंगे, एक एक हमारा ऑप्शन कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो पांच दे दिया गया और सेम डायमेंशन है, तो सबसे पहले पहले वाले को चेक करो, ठीक है। तो पहले वाले को चेक करोगे तो पहला वाला क्या है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी फर्स्ट और फोर्थ का सेम होगा क्या? एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी आ गया एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू और वॉल्यूम का एल की पावर क्यू, तो यह आ जाएगा एम एम एल की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस टू, ठीक है। ये आ गया वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम का सही लिखे थे, एक मिनट, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो ये ए एम की पावर एनर्जी, एम की एल की पावर माइनस वन टी पे, ये इतनी सारी चीज़ें एनर्जी डेंस। अब चलो बात करो एंग्स मॉडल्स की, पहला चेक कर रहा हूँ तो क्या फर्स्ट और फोर्थ का डायमेंशन सेम है, फर्स्ट यहाँ और फोर्थ यहाँ, एंग्स मॉडल्स। अब अगर आप पढ़ाई किए हो, ठीक है, तो इलास्टिसिटी, तो उसमें आता है यंग्स मॉडल्स, और वह यंग्स मॉडल्स का जो फार्मूला होता है वाई, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, या y इज इक्वल टू एफ एल ए डेल्टा एल, ऐसे भी लिखते हैं इसको। तो ये जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन वो डाइमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है, स्ट्रेन इज डेल्टा एल अपॉन एल होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेस जो होता है वो कुछ नहीं है, प्रेशर ही है। स्ट्रेस क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, प्रेशर है, पर थोड़ा डिफरेंस है भाई, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फोर्स का हो गया एम एल टी माइनस टू और एरिया का हो गया एल का स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। अरे वाह, ठीक है, ये तो हम लोग लकी हैं, ठीक है, कि पहला ऑप्शन ही मैच कर गया, पहले में वन और फोर्थ का डायमेंशन बराबर हो गया यार, मतलब बाकी करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, बाकी बाय बाय।